दोस्तों, तो हम बनाएंगे हरा भरा कबाब जो हेल्दी भी है और 10 मिनट में बन भी जाता है। तो ये घर के सामान से ही हम हरा भरा कबाब बनाएंगे। तो हरे भरे कबाब के लिए हमने ये मेथी ली हुई है कटी हुई, ये पालक लिया है कटा हुआ, ये गोभी घिसा हुआ, धनिया कटा हुआ, ये बॉयल किए हुए आलू हैं और ये बेसन। तो ये सब सामान हमने ले लिया है। अब इसे बाइंडिंग करेंगे। पहले हम आलू को कद्दूकस करेंगे। तो ये आलू हमारे कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसमें हम मेथी डालेंगे कटी हुई। अब इसमें कटा हुआ पालक डालेंगे और ये घिसी हुई गोभी, कटा हुआ धनिया डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे जिससे बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे। ये हमने 1 चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर डाला है। अब इन मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको कबाब की पिट्ठी पतली लगती है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन और डाल के इसे टाइट कर सकते हैं। इससे इसकी पिट्ठी अच्छे से बनेगी और इसकी शेप अच्छे से आ जाएगी और ये बहुत क्रंची सा बनेगा। तो ये हमारे हरे भरे कबाब की पिट्ठी तैयार है। अब हम इस पिट्ठी से कबाब बनाएंगे। तो ये हम कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे सेकने के लिए। बनाने के लिए सबसे पहले हाथों पे ऑयल लगाएंगे, फिर एक पिट्ठी लेंगे, उसको कबाब की शेप देंगे और जो हमारा कढ़ाई में तेल हो गया है उसमें डालेंगे। उसको ब्राउन करेंगे, अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। डीप फ्राई, जैसे पकौड़े तलते हैं उसी तरह से इसको तलेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा तलकर तैयार हो चुका है कबाब, और इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हरे भरे कबाब का कलर कितना अच्छा आया है, फ्राई होकर ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए ये हमारे टिक्कर तैयार हो चुके हैं हरे भरे कबाब। इसे निचोड़ कर अच्छे से निकाल लेंगे। और इसमें टेस्ट के लिए ऊपर से चाट मसाला डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए, तो खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो देखिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म हरा भरा कबाब, वो भी हेल्दी। ये देखिए कितना क्रंची बना हुआ है। इस न्यू ईयर पर हरे भरे कबाब को हरी चटनी के साथ सर्व करें और अपने मेहमानों को खिलाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी हमारी कैसी लगी।